नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक मई से राशन दुकानदार नहीं देंगे कार्डधारकों को अनाज। 5 से 20 मई के बीच होंगी पहली सेमेस्टर की परीक्षा। युवती से की छेड़छाड़, शिकायत दर्ज। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 1 मई से राशन दुकानदार नहीं देंगे कार्ड धारकों को अनाज। पास मशीन के उपयोग से ग्राहकों व दुकानदारों में कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। अब तक 35 राशन दुकानदार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हालत यही रहे तो आगामी कुछ दिनों में सभी सरकारी राशन दुकानदार कोरोना ग्रस्त हो सकते हैं। शासन द्वारा संक्रमण रोकने के लिए विशेष प्रयास तथा राशन दुकानदारों पर पास मशीन के उपयोग की सख्ती बरती गई तो आगामी 1 मई से सभी राशन दुकानदार सरकारी राशन का वितरण बंद करने की जानकारी राशन दुकानदार संघ के सचिव रितेश अग्रवाल ने दी है। अग्रवाल ने जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे को निवेदन सौंपते हुए बताया कि पास मशीन द्वारा राशन वितरण के लिए दुकानदारों को डीलर नॉमिनी बनाया जाए तो कुछ हद तक समस्या दूर हो सकती है। राशन दुकानदारों को 50 लाख का बीमा लाभ देने की भी मांग की है। किसी राशन दुकानदार की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर बीमा लाभ सुविधा तत्काल मिलने की भी मांग की गई है। तो वही दूसरी ओर 5 से 20 मई के बीच होंगी पहली सेमेस्टर की परीक्षा। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने अपने कुछ ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर वर्ष की शीतकालीन परीक्षा कॉलेजों को सौंप दी है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को यह परीक्षा 5 से 20 मई के बीच ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिक्स पद्धति से लेने को कहा है। इसमें प्रथम सत्र के नियमित अनुत्तीर्ण सभी प्रकार के विद्यार्थी शामिल है। हालांकि बी, बीटेक, एलएलबी जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा वीवी ही लेगा। इसका टाइम टेबल भी वीवी ने जारी किया है। अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षा कॉलेजों को लेनी होगी। इस वर्ष कई पाठ्यक्रमों में देरी से प्रवेश के चलते वीवी ने परीक्षा भी देरी से लेने का निर्णय लिया था। तो वही तीसरी ओर युवती से की छेड़छाड़, शिकायत दर्ज। कोराड़ी थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित 21 वर्षीय युवती ने एक युवक के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। युवती और आरोपी प्रणय एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों पढ़ाई के लिए नागपुर आए हैं। एक ही गांव में होने से दोनों की बातचीत होती रहती थी, लेकिन प्रणय युवती से एक तरफा प्रेम करने लगा था। इसका अंदेशा होते ही पीड़िता ने उससे बात करना बंद कर दिया। पश्चात प्रणय बार बार उसे फोन कर तथा पीछा कर युवती को परेशान कर रहा था। यह घटना 15 जनवरी से 15 अप्रैल 2021 के बीच की है। समझाने के बाद भी प्रणय की वही हरकतें जारी रखी। आखिरकार पीड़िता ने इसकी शिकायत की, प्रकरण दर्ज किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।